सेंट जॉन बॉस्को वो मुकद्दस है जो इटली में पैदा हुई थी, ट्यूरिन शिमाली इटली में एक जगह है, और वहाँ से उसने देखा कि चंद बच्चे बड़े करीब हैं, और उसने बड़ी कोशिश की कि उनको तालीम दें, उनके लिए खाना के लिए कोई इंतज़ाम करें, उनकी तरबियत करें, उनको बहुत चीज़ें सिखाएं, और बच्चों को प्यार बहुत करता रहा, बच्चों को तैयार करता रहा, बच्चों को तालीम देता रहा, बच्चों की मालूमात में इजाफा करता रहा, और तरबियत ऐसे करता रहा कि बच्चे यानी उसके पीछे लगते थे, और इस तरह उसने यानी दूसरे नौजवानों को अट्रैक्ट किया, और वो फिर सलीजियन जमात उसने शुरू की फादर्स की। सलीजियन फादर्स वो हैं जो दूसरे नौजवानों को तरबियत देते हैं और हुनर का काम सिखाते हैं, और हुनर के काम के साथ साथ उनको ऐसी तरबियत देते हैं कि काम करते वक्त वो अपना नाम कमाएं। इसके अलावा उसने डॉटर्स ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस लड़कियों के लिए जमात शुरू की, और उसने पूरी कोशिश की है जगह जगह जाए दूसरी जगह पे कि हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस के तहत दूसरों की मदद करें, और दूसरों से वो थोड़ी थोड़ी मदद लेते रहे और उसके साथ बड़े बड़े काम करते रहे। आज उसकी जमात दुनिया में बहुत से ममालिक में है, और अब उसको यूथ चैप्लिन भी कहते हैं, यूथ सेंट कहते हैं, वो यूथ के लिए मुकद्दस है, और उसको एक मरबी माना जाता है यूथ का। तो आज हम दुआ करते हैं कि जिस तरह 1890 के करीब वो फौत हुए थे, तो उस वक्त से लेकर अब तक देख लो इतने अरसे में इसने कितना नाम कमाया दुनिया में और माना जाता है। दुआ करते हैं कि आज वो हमारे मुल्क में भी पाकिस्तान में जहाँ सलीजियन फादर्स काम करते हैं क्वेटा लाहौर में, कि उनका काम बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उनकी जमात से सीखें, और उनकी जमात को तरजीह देते हुए हुनर का काम में खेती बाड़ी हो या